यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। तो हाँ, तो मैं पेन पे जो भी फोर्सेस लगा रहा हूँ दो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है ना, फ्रिक्शन नॉर्मल जो भी हो ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन नॉर्मल को कॉम्बिनेशन लगता है, अपन इसको कंबाइन करके कॉन्टेक्ट फोर्स कह सकते हैं ना। जब अपन पेन पे, किसी पे पे लिख रहे हैं ना, पेपर पे लिख रहे हैं ना, तो भी देखो फ्रिक्शन लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है ना, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज लग रहे हैं, कोई ग्रेविटेशन नहीं, कोई न्यूक्लियर फोर्सेज नहीं, ठीक है। और क्या पूछा है भाई, पेन ऑन द नोटबुक, भाई यू ऑन द नोटबुक है ना। अगर मैं नोटबुक पे अपना हाथ रखा हूं तो फिर भाई लिखने में नॉर्मल लग सकता है, और थोड़ा सा अपन स्लिप कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी लग सकता है, ठीक है। वरना अगर मैं मेरा हैंड नोटबुक को टच नहीं कर रहा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ना सारे कंडीशन होते हैं, ये सोचने के क्वेश्चन है ना, ये सोचने के क्वेश्चन। ये चैप्टर तो खैर आसान है ना, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं।